गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इतने सारे बॉक्सेस हैं और इन बॉक्सेस में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सामान है। हाँ, सामान है, मैंने बहुत सारी चीजें मंगाई हैं, बट ना बॉक्सेस के अकॉर्डिंग इतना सामान नहीं है। उसमें बहुत सारे ना आपको पेपर और कुछ 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 प्लास्टिक वगैरह भर के दिया जाता है ताकि आपका सामान डैमेज ना हो। तो मैंने इस बार काफी सारी चीजें मंगाई है, घर के लिए कुछ ज्यादा ही चीजें मंगाई है और बहुत सारी नई नई चीजें भी ट्राई करने के लिए मंगाई है। तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है बैकग्राउंड में। तो हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मैं सोच रही थी सबसे पहले स्टार्ट करूंगी बहुत ही अफोर्डेबल आइटम से, बट मैंने मोस्टली सारे ना जो लक्स कैटेगरी के नहीं है उनसे ही आइटम मंगाए हैं, दो आइटम को छोड़ करके। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये दो बॉक्सेस में आए हुए थे। फर्स्ट बात करें इसकी, तो इस बॉक्स में आया था मुझे ये है विस्फुल की यो ग्लो एंजाइम स्क्रब। ये कुछ इस तरह की है, ये एक पील ऑफ स्क्रब है। मतलब आप इसको जैसे ही अप्लाई करते हो ना, कुछ जैसे ही अप्लाई करोगे ये दाने दाने में आपकी स्किन में जो भी डर्ट वगैरह है, डेड स्किन है, वो सारे निकल आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे आपकी स्किन से निकल आते हैं, बट इस तरह से क्लीनिंग होती है। जिस तरह से यदि आपने पीलिंग जेल यूज किया होगा उसी तरह से है ये स्क्रब, और अच्छा स्क्रब है, मुझे यूज करके अच्छा लगा। इसमें पपाया एंजाइम है, पाइनएप्पल एंजाइम है, AHA है, BHA है, एंड ये मेड इन साउथ कोरिया है, एंड ये हुदा ब्यूटी का स्किन केयर ब्रांड है। तो मुझे नहीं पता था, पर अभी मैंने देखा कि ये हुदा ब्यूटी का स्किन केयर ब्रांड है। 50% ऑफ था इसमें सेल के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने इसको लिया हुआ है। तो ये हो गया वन बॉक्स में वन आइटम। सेकेंड बॉक्स में भी वन आइटम ही है। ये मैंने लिया हुआ है बेनिफिट हुला, ये आप देख सकते हो। ये ऑलरेडी इसका दो छोटा छोटा पैक में यूज कर रही हूँ और खत्म होने वाला था, तो इसमें बेनिफिट में बहुत ज्यादा ऑफर नहीं चल रहा था, बट लास्ट के डेज में ना 15% ऑफ था। और जो प्रोडक्ट्स ऐसे भी बेकार में थे, लेकिन लास्ट में मैंने देखा 15% ऑफ था, प्लस नायका भी कुछ ऑफर दे रहा था लाइक 4000 से अबव की आप शॉपिंग करते हो तो आपको 15% नहीं, हाँ 10 या 15% का ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो मुझे अच्छे खासे प्राइस में ये मिल गया, तो मैंने बड़ा वाला ही मंगा लिया, छोटा वाला नहीं मंगाया, ये मैंने मंगाया। और अभी मैंने देखा तो इसमें जो ब्रश आता था ना पहले, वो अब नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलता है। और मुझे आदत हो गई है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि ऐसे भी मैं थोड़ी सी चबी सभी हूँ तो मुझे थोड़ा कॉन्टोर करने की जरूरत होती है, और ये बहुत ही नेचुरल सा लगता है और बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसका कलर जो है ना इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाता है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है लग्जरी से, मतलब नायका लक्स से ओनली टू प्रोडक्ट्स। बट बाकी जो मैंने प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं ना, कुछ मैंने पिक्सी के किए हैं। पिक्सी लक्स कैटेगरी में भले ही नहीं आता हो, बट उसमें ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं था, प्लस उसकी प्राइजेस भी काफी ज्यादा हाई है, पता नहीं फिर पिक्सी क्यों नहीं आता है लक्स कैटेगरी में। तो नाउ स्टार्ट करते हैं इस वाले बॉक्स से, एंड ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ उन सभी को मैं वीडियो में टैग कर दूंगी। तो जस्ट आप व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे ना, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, तो आपको लिंक ओपन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, आप जाके चेक कर लेना। नाउ स्टार्ट करते हैं इस वाले बॉक्स से। तो सबसे पहले सबसे सस्ता आइटम जो ड्रग स्टोर कैटेगरी से है वो है ये टूथ ब्रश। मैंने काफी सारे टूथ ब्रश मंगवाए हैं। ये है बैंटोडेंट की बम्बू ब्रश, इस तरह की पैकेजिंग में आती है ये। अभी बम्बू ब्रश का फायदा ही क्या, जब सिर्फ हैंडल ही बम्बू हो यार। इसके जो फ्लॉस है वो तो नॉर्मल ही है, बट हाँ काफी ज्यादा सॉफ्ट है। बम्बू टूथ ब्रश विथ चारकोल इन्फ्यूज्ड फ्लॉस, तो ये जो है ये चारकोल इन्फ्यूज्ड है, तो कुछ इस तरह की है ये टूथब्रश। ये मैंने 50 रुपीज में मंगाया है, मतलब सेल में ही 50 रुपीज में मिला था। तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये आइस मिंट स्प्रे मिंट की माउथ फ्रेशनर, कुछ इस तरह से है ये। इसकी प्राइस है 99 रुपीज। इसमें कुछ ऑफ था या नहीं था पता नहीं, बट मैं सब कुछ मंगवा रही थी ना, तो मुझे ओवरऑल मेरे कार्ड पे एक्स्ट्रा 15% का ऑफ मिल रहा था, क्योंकि वो 4000 रुपीज से एक्स्ट्रा हो रहा था। तो ये है नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये ओरल बी की क्रिश क्रॉस बाय टू गेट वन फ्री वाली टूथब्रश।
अगेन आपको बहुत सारे टूथब्रश देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। मैंने इसको यूज किया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एंड इसके जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो जिगजैग पैटर्न में रहते हैं, तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है और ये सेट ऑफ थ्री मिल जाता है आपको। तो ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये सिंपल की फेस वॉश, रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश है, 100% सोप फ्री है, एंड सिंपल के प्रोडक्ट्स बहुत ही नेचुरल होते हैं, अच्छे होते हैं एंड इफेक्टिव भी होते हैं और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी होते हैं। तो ये है नेक्स्ट में, बहुत अच्छा ऑफ था। इसकी प्राइस थी 385 रुपीज, बट ये डिस्काउंट में 219 रुपीज में था आई थिंक, तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया कि काम आएगा। फेस वॉश तो हमेशा काम आते ही, इतना सारा फेस वॉश करना होता है, मेकअप रिमूव करना होता है। तो ये है नेक्स्ट आइटम है डिसी के साथ में। ऑल्सो ये जो प्रोडक्ट है पिक्सी का, ये मैं आपको ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने इसको भी नाइका से मंगाया था, तो आपने देखा ही होगा। ये है पिक्सी पील एंड पॉलिश और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, मतलब आपकी स्किन में जो भी लेयर्स बने हुए है ना, डेड स्किन है या फिर गंदगी है और फाइन लाइंस है, इन सारी चीजों को पील करने में और आपके स्किन के ग्लो को बाहर लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये मेरा नेक्स्ट परचेस है, ऑलरेडी मैं इसको 1 ईयर से यूज कर रही हूँ और मुझे अपने स्किन पे बहुत ज्यादा फर्क दिखा है, मतलब स्किन एक्चुअली में क्लीन ग्लोइंग लगती है, तो इसलिए मैंने इसको रीपर्चेस किया है। इसको मैंने आपको मिंत्रा वीडियो में दिखाया। नाउ देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स, नेक्स्ट बड़े वाले बॉक्स में क्या है। ओके, तो मैंने मंगवाया है एक ये प्रोफेशनल ब्लैक सेरामिक ब्रश, ये जो है ना ब्लो ड्राइंग ब्रश है। ये मुझे चाहिए था एक ब्रश, तो मैंने काफी सर्च किया, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे और बहुत ज्यादा रिव्यूज भी नहीं थे नाइका पे, तो मुझे ये ठीक ठाक लगा तो मैंने इसको मंगाया है। एंड इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी मोटा सा है तो मुझे काफी सही लगा ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इस तरह से है ये ब्रश, ये है अलन ट्रोमान की लव हेयर प्रोफेशनल ब्लैक सेरामिक ब्रश, कुछ इस तरह से है। तो आप भी घर पे ब्लो ड्राइंग करना चाहते हो, मतलब हेयर, मैं सोच रही हूँ हेयर स्ट्रेटनर ज्यादा नहीं यूज करके ब्लो ड्राइंग करना स्टार्ट करूं, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया है ताकि ज्यादा बाल डैमेज ना हो इसलिए। तो ये अच्छा है, मुझे अच्छी क्वालिटी का लगा, तो आप भी इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम है कॉम्ब अगेन, और ये है टेल पिन कॉम्ब, कुछ इस तरह से आता है ये, और ये भी मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसको मंगाया हुआ है। इससे क्या है ना कि आपको अच्छे से यदि मांग निकालना है, पार्टीशन करना है, तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है, तो ये मैंने मंगाया है। एंड अगेन इस वाले में बहुत ही घर वाली चीजें हैं, अगेन ये टूथब्रश है, तो टूथब्रश ना बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ यूज करके आपको चेंज कर लेना चाहिए, जैसे डेंटिस्ट बोलते हैं वैसा मैं आपको बता रही हूँ। और घर पे भी खास करके मेरा भाई जब भी आता है वो टूथब्रश लेके ही नहीं आता, वो हमेशा ही भूल जाता है, तो घर पे टूथब्रश हो तो वो अच्छा रहता है। कोई भी तो कोई गेस्ट भी आए हैं और फैमिली मेंबर आए हैं और टूथब्रश नहीं लेके आए हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा रखना जरूरी होता है। एंड इसके साथ ही मैंने मंगवाया है ये लिस्ट्रिन, इसमें भी कुछ तो ऑफ था, प्लस मुझे ओवरऑल कार्ट में भी ऑफ मिल रहा था, तो ये लिस्ट्रिन भी मंगाया है मैंने। एंड उसके बाद है ये बायोटिक की एडवांस आयुर्वेदा आमंड ऑयल नरिसिंग बाथिंग बार, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नरिसिंग है, ड्राई नहीं होता है स्किन, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया है। और हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर वाटर बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैं हमेशा ही ना हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग चीजें ही मंगवाती हूँ। नेक्स्ट मैंने ये 3 पीस मंगाए हैं, ये है नायका के हैंड वॉश, और ये एक तो इतने सुंदर से बॉटल में आते हैं, मतलब व्हाइट ट्रांसपेरेंट है, प्लस ये गोल्डन कलर का जो डिटेलिंग है ना बहुत ही अमेजिंग है। और ये है नायका वंडरलस्ट की जापानीज चेरी ब्लॉसम हैंड वॉश, ये आप यहाँ पे एक देख रहे हो, ऑलरेडी मैं 2 यूज कर रही हूँ, एक है मेरे किचन में और दूसरा है मेरे वॉशरूम में, एंड ये वाला जो है वो डाइनिंग हॉल के लिए है, तो ये 3rd बॉटल है। तीनों ही आई थिंक, एक मैंने सेम ही मंगाया है और एक जो है वो लेवेंडर वाला मंगाया हुआ है। तो ये है नेक्स्ट आइटम, बहुत ही अच्छा है और ये स्किन को ड्राई नहीं करता, हैंड्स को ड्राई नहीं करता है, और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छे से हाथ को क्लीन कर देता है, हैंड वॉश है, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, प्लस इसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा था सेल में, इसलिए मैंने 3 मंगा लिए। इसी के साथ में ये वाला डब्बा होता है खत्म। नाउ बात करते हैं इस वाले डब्बे की,
इस वाले बॉक्स की। तो जैसे कि मैंने पिक्सी का आइटम मंगाया ना, तो पिक्सी में स्टार्टिंग में तो ऑफ नहीं था, लास्ट में किसी किसी टाइम पे आपको 15% ऑफ मिल रहा था, बट उसमें था कि आप एक फुल साइज प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, ईच प्रोडक्ट के साथ में आपको एक आइटम मिल रहा था। तो मैंने जब फर्स्ट डे ऑर्डर किया था ना, उस दिन मुझे ये मिला था, और जैसे ही मैंने ऑर्डर किया था, आई थिंक नाइट के टाइम से फिर मॉर्निंग से ये ऑप्शन चला गया था, ये हो सकता है स्टॉक में खत्म हो गया होगा। तो ये आई सेडो पैलेट है एंड इसकी प्राइस है 3000 रुपीज। मैंने प्रोडक्ट मंगाया है 2400 रुपीज का, मुझे ये आई सेडो पैलेट मिला है 3000 रुपीज का फ्री, और ये बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो इतना बड़ा आई सेडो पैलेट आपको मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसके जो कलर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही में काफी ज्यादा पिगमेंटेड भी है, और मैट शेड्स भी है इसमें, और ग्लिटर वाले भी हैं, प्लस स्पार्कल वाले भी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर है, ग्रीन भी है, पर्पल भी है, पिंक भी है, और बहुत सारे न्यूट्रल टोन्स भी है, कोरल भी है, और मरून भी है, तो काफी सारे कलर्स हैं, और फ्री मिल रहा था तो और क्या यार, मतलब जितना का प्रोडक्ट नहीं मंगाया उससे अच्छा तो मतलब आई शेडो पैलेट फ्री में मिल रहा था। नाउ इसके बाद मैंने मंगाए हैं ये, जैसे कि मैंने हैंड वॉश मंगाया ना, तो हैंड वॉश को रिफिल करने के लिए, उनके डब्बों को रिफिल करने के लिए मैंने ये दो वंडरलस्ट फ्रेंच लेवेंडर हैंड वॉश के रिफिल पैक मंगाए हैं, और ये फ्लैट 50% ऑफ में थे, 250 रुपीज प्राइस है इनका, बट 125 में मुझे मिल गया। ये 750 ml है, तो काफी टाइम चल जाएगा, मुझे लगता है 1 year चल जाएगा ये, तो जब नेक्स्ट सेल आएगी नेक्स्ट ईयर तब फिर हम सोचेंगे हमें क्या लेना है, तब तक के लिए काफी है। नाउ इस बॉक्स की जो लास्ट आइटम है वो है ये है नायका के मिस्ट, नायका वंडरलस्ट सिलिशियन स्वीट पी, एंड दूसरा है वंडरलस्ट जापानीज चेरी ब्लॉसम। ये दोनों मिस्ट मैंने मंगाए, मुझे एक ही मंगाना था बट ऑर्डर करने के टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने दोनों ही ऑर्डर कर लिया, बट कोई नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी खुशबू है इनकी, और समर का टाइम है तो घर पे भी हो तो बस मिस्ट लगा लो, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत ही फ्रेशनेस है। तो ये मैंने मंगाए हैं नायका के प्रोडक्ट है ये। ओके नाउ देखते हैं नेक्स्ट इस बॉक्स में है हमारे पास के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। के ब्यूटी से मैंने ब्लश लिया था, जो मैं ऑलरेडी आपको अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ इससे पहले ही, आई थिंक मीशो वाली वीडियो मैंने आपको ब्लश दिखाया था। नाउ यहाँ पे है ये कॉम्पैक्ट, ये मैंने दो शेड्स में मंगवाए हैं, और ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक और एक मुझे थोड़ा पिंक टाइप का शेड आ गया। मैंने दो कॉम्पैक्ट मंगाए हैं, फर्स्ट है ये के ब्यूटी की मैट कॉम्पैक्ट इनरिच्ड विद एवोकाडो एंड मैंगो बटर, और फर्स्ट जो शेड है ना वो है 110Y Light, और ये परफेक्ट शेड है मेरे लिए, मतलब बिल्कुल मेरे स्किन से मैच कर रहा है। बट जो सेकंड मैंने मंगाया ना, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने 120P डाला हुआ है, और ये पिंक टोन में, मतलब हल्का सा पिंक है, मेरे में पिंक टोन बहुत अच्छे से नहीं जाता है, बट फिर भी मैं मिक्स एंड मैच करके ट्राई करूंगी यूज करने का। तो ये दोनों कॉम्पैक्ट मंगाए मैंने, एंड साथ ही में ये न्यू आया है मेबेलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फ्रेश टिंट विथ SPF 50 एंड वाइटमिन सी, तो कुछ इस तरह से है ये। एंड इसमें जो मैंने शेड मंगाया है वो है 05, आई होप ये मेरे में हो जाए, मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया हुआ है, मैं आपको एड कर दूंगी किस तरह का शेड है ये। इस तरह से आप देख सकते हो, हाँ सही है यार, मैंने सही किया कि मैंने 5 नंबर मंगाया है, क्योंकि ना ये जो टेंट्स वगैरह फाउंडेशन वगैरह होते हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे सेट के लिए, वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट कर देता है स्किन को, तो बहुत ही अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना सेट के मामले में ऑनलाइन थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट ये वाला परफेक्ट है, 05 नंबर है, अमेजिंग है। यदि आपकी भी स्किन मेरे टाइप की है ना, मतलब मेरे कलर की, तो आप 05 ट्राई कर सकते हो, खुशबू भी इसकी काफी अच्छी है, काफी मैट फिनिश है एंड लाइट वेट है, तो अच्छा लगा मुझे ये। के ब्यूटी के ब्लश एंड काजल का कॉम्बो मिल रहा था मुझे, काफी अच्छे ऑफ में मिल रहा था, तो ब्लश मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ये काजल है, ये देख सकते हो इस तरह से है ये काजल, ब्लैक कलर में है, सो अच्छी काजल है, ब्लैक मैट वाली ब्लैक काजल है, साइन नहीं है इसमें, तो काफी अच्छी लगी मुझे ये प्रोडक्ट भी, एंड ये साफ करने की जरूरत नहीं है तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। एंड के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। नाउ
नेक्स्ट मैंने और भी कुछ कुछ पिक्सी के प्रोडक्ट मंगाए हैं, उसमें से एक मुझे ये वाला भी फ्री मिला है। तो इसमें आपको टोटल 3 आइटम मिल जाते हैं, विटामिन सी लोशन, विटामिन सी टॉनिक एंड विटामिन सी केवियर बाम, जो कि मास्क के जैसा है। तो ये प्रोडक्ट मुझे फ्री मिला था। है ये प्रोडक्ट, ये बॉडी वाइज से था तो ये अलग से आया था, ये नायका से नहीं आया था। और इसके बॉक्स में भी मैंने कुछ कुछ डाल के रखा हुआ है। तो इसमें मैंने और एक कॉम मंगाया हुआ है, ये भी एक टेल कॉम है, एंड साथ में इसमें भी टूथ ब्रश है, डिफरेंट टाइप के टूथ ब्रश। मैंने टोटल 4 टाइप के टूथ ब्रश मंगवाए हैं। तो ये हो गया। एंड इसके साथ ही मुझे ये फ्री मिला है नायका की तरफ से, ये पाउच है, ये आप देख सकते हो, वेलवेट की वेलवेट पाउच है, पिंक कलर में है और काफी अच्छा स्पेस है इसमें। तो इसको मैं किसी को दे दूंगी, क्योंकि इस तरह के काफी सारे पाउचेस हमेशा ही नायका से मिलते रहते हैं, तो काफी सारे हो गए हैं, बट ये अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने बॉडी वाइज से 2 कॉम्बो का बॉडी वॉश मंगाया है। तो ये है फर्स्ट बॉडी वॉश, एक ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, 1 वीक हो गए यूज करते हुए, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब इसमें साथ में ये छोटा वाला हेलुरोनिक एसिड बॉडी वॉश फ्री में मिला है, बहुत छोटू सा है, 2 बार में खत्म हो जाएगा। एंड इसके साथ ही ये भी फ्री आया है, ऐसे इसकी प्राइस है 159 रुपीज, पर ये इसके साथ में फ्री आया है। हमारी लास्ट बॉक्स है वो है ये वाली, इसमें है पिक्सी के प्रोडक्ट, जो कि है ये। मैंने पिक्सी से आई थिंक 3 प्रोडक्ट्स मंगाए थे, एक मैंने मंगाया है ये, एक वो, अच्छा मैंने एक टोनर भी मंगाया है जिसको मैंने आपको नहीं दिखाया, मैं भी दिखाऊंगी आपको। तो ये है पिक्सी की डिटॉक्सिफाई कुकुम्बर एंड कैफीन आई पैचेस, इसमें आपको टोटल 60 पैचेस मिल जाते हैं दोनों आईज के लिए, मतलब 30 टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने मंगाया, इसके काफी अच्छे रिव्यूज थे और बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक लैपटॉप में मोबाइल में काम करते करते बहुत ज्यादा आंखें थक जाती हैं, तो उसके लिए, और सुबह सुबह बहुत ज्यादा आंखें आईज जो है वो पफी रहती है ना, तो उस टाइम पे भी इसे यूज किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है और बहुत ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है, इसको मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये है नेक्स्ट आइटम। एंड इसके साथ में जो मुझे फ्री मैंने चूज किया था वो है पिक्सी की क्लींजिंग ऑयल एंड क्लींजिंग क्रीम, इस तरह का सेट है ये, एंड इसकी भी प्राइस है 2400 रुपीज। तो जितने का मैंने ये लिया है उतने का मुझे ये फ्री मिला है, एंड इसकी जो एक्सपायरी है वो है 26, तो 3 इयर्स है अभी, तो चलेगा। इस तरह से ये बड़े से जार में है और इसमें आपको 1 साइड में ऑयल, 1 साइड में क्रीम मिल जाएगा, जिसको अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, बाकी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना जो भी क्लीनिंग वाले हैं, तब मैं इसको यूज करूंगी, कि 26 तक है तो फिर आराम से इसे यूज किया जा सकता है। और इसको मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मेकअप को अच्छे से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप मेकअप करते हो तो। सो लास्ट जो आइटम है पिक्सी से, जिसके साथ मैंने आपको दिखाया था विटामिन सी वाला जो 3 पीस का सेट था वो मुझे फ्री मिला था, वो है ये पिक्सी की स्किन ट्रीट्स ग्लो टॉनिक। इसमें ये एक एक्सफोलिएटिंग टोनर है, इसमें 5% इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, एंड इस तरह से है ये। इसका जो छोटा वाला पैक था ना वो आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक था, ये फिर मुझे वर्थ नहीं लग रहा था, उसके डबल से कम प्राइस में आपको उससे डबल से और भी ज्यादा क्वांटिटी मिल रही थी। और इसको मैंने देखा कि नायका फेमिना अवार्ड्स जो मिलता है ना किसी भी बेस्ट प्रोडक्ट को, तो वो था इसमें, तो इसको मैं यूज भी कर रही हूँ, आफ्टर फेस वॉश में इसको यूज कर रही हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, स्किन बहुत अच्छी लगती है, ग्लोइंग लगती है और काफी फ्रेश लगती है। तो इसको मैंने आई थिंक 4 to 5 times अभी डेली यूज कर रही हूँ मैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरह से है ये वाली टोनर, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ब्राइटन करता है और हेल्दी ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है, अल्कोहल फ्री है। ऑल्सो आप इसको दोनों टाइम यूज कर सकते हो, मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम ही यूज कर सकते हो, तो मैं भी सिर्फ मॉर्निंग में कर रही थी, अब नाइट में भी करूंगी आफ्टर बिफोर सीरम। तो ये है लास्ट प्रोडक्ट गाइस, ये सारी चीजें मैंने परचेस की थी इस बार नायका से। इस बार मैंने मेकअप बहुत ही कम परचेस किया था, ज्यादा से ज्यादा मैंने बॉडी केयर, स्किन केयर और जो भी घर वाले आइटम थे लाइक टूथपेस्ट, हैंड वॉश, कॉम्स, ये सारी चीजें ली हुई थी। तो सभी को मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, आप जस्ट फ्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके ये सारे आइटम को चेकआउट कर सकते हो, अपने लिए बाय करना है तो कर सकते हो। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।